जाए ये धरती या चटक जाए आकाश। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू आदिपुष जो भी मूवी आने वाली है प्रभास अफली खान की, जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उस ट्रेलर का रिव्यू करेंगे और उस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे क्या अच्छा है क्या खराब है, ट्रेलर से हमें क्या पता चलता है मूवी किस तरीके की होने वाली है। तो सबसे पहले एक काम करने वाले हैं, पहले इस ट्रेलर को हम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रेलर के हिसाब से किस चीज़ों पर हमें बात करनी चाहिए, क्या जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप रिलेट भी कर पाओगे। सबसे पहले इस ट्रेलर को देख लेते हैं, बाद में अपना रिव्यू और अपना रिएक्शन इस ट्रेलर के ऊपर देते हैं। तो सबसे पहले आइए ट्रेलर देख लेते हैं। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश। न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। तो भाई दमदार शानदार जो भी आप कह सकते हो इस ट्रेलर के बारे में, बहुत ही अच्छा ट्रेलर बनाया गया है। और इस ट्रेलर में जब शुरुआती होती है वो भी बहुत इतने शानदार तरीके से होती है कि इससे पता चलता है मूवी बहुत ज़्यादा दमदार होने वाली है। प्रभास की जो एंट्री होती है माउंटेन्स के बीच, वाटरफॉल्स के रहे, पहाड़ों के बीच, झरने जितने वहाँ से प्रभास की एंट्री होती है और प्रभास के आते हैं पूरा जो फील आने लगता है बाहुबली मूवी से जैसा फील, क्योंकि बाहुबली में हम लोग इतने इंस्पायर हो गए थे। बाहुबली मूवी का कोई भी सीन या प्रभास के आते ही सीधा पूरा बाहुबली सीन का सीन आने लगता है। तो इस ट्रेलर के बारे में हम बात कर लेते हैं। आदिपुष को हम कह सकते हैं जो भी रामायण था, रामायण का लेटेस्ट वर्जन बोल सकते हो। इसमें प्रभास ने राम का, भगवान राम का रोल प्ले किया है और इसमें जो सैफ अली खान की एंट्री होती बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से होती है। जहाँ जहाँ सैफ अली खान ने नेगेटिव किरदार निभाया, जहाँ जहाँ उन्होंने ग्रेस सेठ को अपना प्ले किया बहुत ही अच्छी तरीके से, जहाँ वो रावण का रोल प्ले करते हैं, इसमें पूरी जो ट्रेलर दिखाया गया पूरा रामायण के उत्पाद है, इसमें पूरी रामायण की कथाओं को, पूरी रामायण की कहानी को लेटेस्ट तरीके से दिखाया गया है। पूरा इसमें आपको दिखेगा आर्टिफिशियल इफेक्ट, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएंगे। उसमें सब तरीके से एनिमेशन आपको बहुत अच्छे, जितने भी बानर सेना दिखाई गई सब वो एक तरीके से एनिमेशन है, लेकिन आपको कहीं भी ये फील नहीं होने वाला कहीं है ऐसे एनिमेशन। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से दिखाएगा। पूरा इसमें रामायण की हिस्ट्री को दिखाया गया, ये भी पूरी जो मूवी इसमें ट्रेलर को दिखाया गया, राम सेतु पुल से लेकर पूरा किस तरीके से भगवान राम अटैक करते हैं, सीता मैया को वहाँ से छुड़ा के लाते हैं। कीर्ति सेनन का भी रोल काफ़ी दमदार दिखाया गया इसमें ट्रेलर के हिसाब से, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कीर्ति सेनन का भी जो सीता माँ के रोल में एक रोल दिखाया गया वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया, जो देखने लायक है। तो सबसे पहले हम ट्रेलर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो हमें प्रेरित करती है इस मूवी को देखने के लिए। मूवी बहुत ही, क्योंकि सबसे अच्छी खास बात यह कि ना इस आदिपुष जो मूवी थी इसके बहुत पहले से बात चलती आ रही, बहुत ही पहले से इसके बारे में बात चलती आ रही कि किस तरीके की मूवी होने वाली है, कि मूवी कब आने वाली है। तो ये मूवी अभी आएगी, अभी इसके मूवी आने में थोड़ा सा टाइम है। कहानी वही रामायण वाली कहानी चलती है कि किस तरीके से भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर जाते हैं, कहाँ वो अपने एक इसमें ये दिखाया गया किस तरीके से कि एक पिता के कहने पे बेटा 14 वर्ष के, जो भगवान रामायण की कहानी सेम एज इट इज कहानी चलती है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कहानी पूरी होने के बाद भी, कहानी हमें पता होने के बाद भी, हमें इस ट्रेलर को आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कहीं कहानी आपने ये देखी हुई है। आई होप ये मूवी भी उसी तरीके से होने वाली है, कहीं भी मूवी में आपको ऐसा नहीं लगने वाला।
तो इस ट्रेलर से हमें जो पता चलता है, जो मूवी देखने के लिए हमें चीज़ें मोटिवेशन करती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रभास की एंटी भगवान राम की। अगर आप रामायण के फैन हो, अगर आप रामायण के विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, चीज़ों दोबारा से देखने के लिए, लेटेस्ट लुक में देखने के लिए, तो इस मूवी को जरूर देखने जाना चाहिए। दूसरा, ये हमारे रामायण के उत्पाद होने वाली मूवी है, चीज़ों को उन्हीं चीज़ों को दिखाना, लेटेस्ट लुक को दिखाना था। प्रभास की मूवी कोई भी मूवी देख लो, बहुत दमदार तरीके से होती है, तो मूवी आपको एक देखने के लिए ये भी फैक्टर होता है जो आपको देखने के लिए मोटिवेट करता है, तो आप देख सकते हैं जाके। जिस हिसाब से ट्रेलर दिखाया गया, काफ़ी पूरी जो कहानी ओल्ड पास घूमती, पूरी रामायण हिस्ट्री को ओल्ड पास घूमती, लेकिन नए तरीके से, नए एनिमेशन इफेक्ट के साथ घूमते हैं। हो सकता है आपने पुराना जो रामायण कहानी मूवी में या रामायण जो सीरियल आता है उसमें देखी हुई होगी, लेकिन इसमें लेटेस्ट लुक दिखाया गया, लेटेस्ट चीज़ें दिखाई गई हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया गया, एनिमेशन तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ये देखने लायक पूरा पैकेज है, जाके आप देख सकते हो। लेकिन इसको अभी आने में थोड़ा टाइम है, तो आप जाके ट्रेलर तो एटलीस्ट देख सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो, अपना कमेंट बता सकते हो किस तरीके आपको ट्रेलर पसंद आया, किस तरीके आपको ट्रेलर आपको लगा। तो अभी ट्रेलर आपको जाकर गूगल पे जाकर देख जाएगा, टी सीरीज की वेबसाइट पे जाकर इसको ट्रेलर देख जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको भी ये वाला रिएक्शन पसंद आया होगा, ये वाला वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए